अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है इलियास चौधरी और आप देख रहे हैं इलियास चौधरी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप सोशल मीडिया अकाउंट्स कैसे आप वेबसाइट के अंदर लगा सकते हो। आप बिज़नेस कर रहे हो, आप अपने खुद की वेबसाइट बनाना चाहते हो, या आप फ्री लांसिंग के बारे में, आप फ्री लांसर हो, या क्या फ्री लांसर हो अपनी जिस तरह का भी आप, या आप बिज़नेस कर रहे हो। दोस्तों, आप सोशल मीडिया के पावर आपको जानते ही हैं कि उसके बगैर आपका बिज़नेस ग्रोथ नहीं कर सकता। आप अगर फ्री लांसर हैं तो फ्री लांसिंग भी आप वहाँ से अपने बिज़नेस को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर सकते हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मैक्सिमम तरीकों से सोशल मीडिया आइकन्स को अपनी वेबसाइट पर लगाना सीखेंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो लास्ट तक देखते रहें, और जो साथी नए हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आपको वर्डप्रेस की आने वाली हर अपडेट आप तक टाइमली मिल सके। तो दोस्तों, हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट के अंदर यहाँ पे लगाना चाहते हैं जी सोशल मीडिया आइकन्स। इसके हवाले से आपके पास सोशल मीडिया मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी आपके पास अकाउंट्स बने हुए हैं, आपके पास फेसबुक का अकाउंट है, आपके पास ट्विटर का है, आपके पास इंस्टाग्राम का है, आपका किसी भी किस्म का यहाँ पे आप सोशल मीडिया आइकन या ऐड करना चाहते हैं, उसका आपके पास ऑलरेडी अकाउंट बना होना चाहिए। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको अकाउंट बनाना नहीं सिखाऊंगा, सिर्फ ऐड करना सोशल मीडिया आइकन्स यहाँ अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड करना सिखाऊंगा, उसके बटन बनाना सिखाऊंगा कि आप कैसे उसके अंदर मैन्युअली भी बना सकते हैं। हम यहाँ पे तीन तरीके डिस्कस करने वाले हैं, और सबसे पहला जो मेथड है उसके अंदर हमारे पास है जी, आप अपनी थीम की कस्टमाइजेशन में जाते हैं, और कस्टमाइजेशन में जाने के बाद आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे, वो है हेडर्स की, यहाँ पे हेडर्स सेटिंग की। हेडर सेटिंग के बाद आपके पास आ जाती है ऑप्शन आइकन्स की। हमारे पास ये पहले से ये मैंने ओपन करके रखे हुए हैं। मैं यहाँ से इसका सिंपली इसका यूआरएल कॉपी करता हूँ। यूआरएल कॉपी करने के बाद यहाँ पे फेसबुक का आइकन दे देता हूँ, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी ट्विटर का कॉपी करता हूँ यूआरएल। ट्विटर करने के बाद यहाँ पे दे देता हूँ ट्विटर का। उसके बाद आप यहाँ पे लिंक्डइन का दे सकते हैं, आप इंस्टाग्राम का दे सकते हैं। मैं फिलहाल ये दो ही ऐड करूँगा। यहाँ पे हम करेंगे इसको शो या हाइड पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यानी आप देख सकते हैं हमारे पास दोनों ऐड हो चुके हैं, और यहाँ पे मैं दोबारा से कर दूँगा पब्लिश पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आइकन इसके शो हो गए हैं। ये तो था हमारा फर्स्ट तरीका कि आप थीम की कस्टमाइजेशन के अंदर जाके वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाती है कि हेडर की सेटिंग के अंदर आप इजीली यहाँ पे अपनी वेबसाइट के अंदर, मैं यहाँ पे भी आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ कि आप इजीली फर्स्ट मेथड बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आप इजीली यहाँ पे अपने अकाउंट को शो करते हो, यहाँ पे आपका फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और इसका इंस्टाग्राम का जितने भी आइकन्स आप लगाना चाहते हैं नॉर्मली इजीली लगा सकते हैं। सेकंड मेथड जो है हमारे पास, जिसकी वजह से हम वो है हमारे पास विजिट के, विजिट्स के ऑप्शन में हम जाते हैं। विजिट के ऑप्शन में जाके हम चाहते हैं कि हमारे ये साइड बार है, साइड बार के अंदर हमारे सोशल आइकन जितने भी हैं उनके बटन बन जाए और इजीली हमारा जो है ना यहाँ पे शो हो जाए, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे यहाँ पे शो हो जाए। और जैसे ही उस पर क्लिक करने के बाद हमारी नई विंडो खुले, नई विंडो पे आप इजीली जाके हमारे वेबसाइट अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को इजीली एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जी आप फोटो पे लगाना चाहते हो, कहाँ लगाना चाहते हो। हम चाहते हैं जी अभी लगाना चाहते हैं साइड बार के अंदर, एड विजिट कर देंगे। एड विजिट करने के बाद आप यहाँ से सिंपली सोशल मीडिया आइकन्स सेव करोगे। सेव करने के बाद यहाँ पे करेंगे आप रिफ्रेश। ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास इसके फेसबुक का, ट्विटर का, यूट्यूब का और गूगल का, ये चारों के चारों अकाउंट्स आ चुके हैं। आप और ज़्यादा भी ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। दोस्तों, हम लास्ट वीडियो के अंदर इस पे मेन्यूज़ के लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि आप यहाँ पे इसको कैसे लगा सकते हैं।
दोस्तों मेन्यूज के ये आप ऑप्शन कहाँ से आएगी, ये ऑप्शन कहाँ से अवेलेबल होगी, आप सेलेक्ट मेन्यू कहाँ से सेलेक्ट करते हो। दोस्तों हम ऑलरेडी मेन्यूज पे एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, जिसके अंदर आप मेन्यू को मेन्यू के अंदर जाके एक मेन्यू सेट करते हो। मेन्यू सेट करने के बाद वहाँ पे आप सोशल मीडिया के आइकन्स, सोशल मीडिया के अकाउंट्स को डिटेल को ऐड करते हो। ऐड करने के बाद वहाँ से आप उसको सेव कर देते हो। सेव करने के बाद आपको ये देख सकते हैं कि दो मेन्यूज आ रहे हैं यहाँ पे, एक तो होम का मेन्यू है, ठीक है, एक होम का मेन्यू जो कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ, ये हमारा होम का मेन्यू है, ठीक है। दूसरा मेन्यू जो मैंने सेलेक्ट किया है वो हमारा बता रहा है कि जी ये सोशल मीडिया के आइकन्स है, ठीक है। ये आपने कैसे बनाना है, मेन्यू कैसे बनाना है, मेन्यू को अरेंज कैसे करना है, वो आप सेपरेटली एक वीडियो बनाई है, उस पर आप जाकर चेक कर सकते हो। तो ये था दोस्तों हमारा सेकंड ऑप्शन। सो गाइज हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है हमारे पास अपनी वेबसाइट के अंदर सोशल मीडिया आइकन्स को ऐड करने का है, वो है हमारे पास प्लगइन, और प्लगइन के थ्रू भी हम इसको इसके अंदर ऐड कर सकते हैं अपने विजिट, अपने इसके अंदर सोशल मीडिया आइकन्स को यहाँ पे आप लगा सकते हैं। उसके लिए हमें एक प्लगइन चाहिए होगा जिसको हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे, सिंपल सोशल मीडिया, सिंपल सोशल मीडिया के नाम से। तो ये हमारे पास आ चुका है, यहाँ देख सकते हैं एक्टिव इंस्टॉलेशन जो है वो 2 लाख से अबव है, और जिसकी लास्ट अपडेट जो है 7 दिन पहले इसकी लास्ट अपडेट हुई है, और बहुत ही बेस्ट ये सिंपल आइकन है, बहुत ही बेस्ट प्लगइन है, और बिल्कुल फ्री टू यूज़ है, आप इसको इजीली फ्रीली इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसको यूज़ करना नहायत आसान है। और हम यहाँ से इसको एक्टिव कर लेते हैं ताकि हम इसको मज़ीद आगे देख सकें। हमारा एक्टिव हो चुका है, ये देख सकते हैं डीएक्टिवेशन के हमारी ऑप्शन दे रहा है, ये हमारा एक्टिव हो चुका है। हम जाएंगे अपने इसको इसको लगाने के लिए, सोशल मीडिया आइकन को लगाने के लिए हम जाएंगे विजेट्स के अंदर, और दोस्तों विजेट के अंदर हमारे पास ये ऑप्शन है हमारे पास, ये इसको हम ऐड कर लेंगे साइड बार के अंदर। आप देख सकते हैं दोस्तों इसके अंदर आप टाइटल देख सकते हो और ओपन लिंक इन न्यू विंडो, यानी इसको चेक कर सकते हो। इसको क्लिक करके, क्लिक करने के बाद आपको जब भी उसकी सोशल मीडिया आइकन के ऊपर सेलेक्ट उसको क्लिक करेंगे कस्टमर आके आपको, तो आपके डायरेक्टली आपके पेज पे चला जाएगा, फेसबुक पेज पे ऐड करेंगे उस पर चला जाएगा, जो भी सोशल आइकन आप इस पर लगाते हो आपके न्यू विंडो के अंदर जाके वहाँ पे ऐड हो सकता है। उसके बाद इसका आइकन, आइकन का साइज बता रहा है कि इतनी पिक्सल पे है, ठीक है, ये सारा इसके चीज़ें आप देख सकते हो, लाइन देख सकते हो कहाँ पे राइट होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए, ठीक है। ये आपके सेटिंग के थोड़ा सा चेक कर सकते हो। उसके बाद कलर की सेटिंग है, इसकी कलर की सेटिंग आप अपनी मर्जी से लगा सकते हो। और उसके बाद यहाँ से हमारा ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर उसने आप इसके अंदर आइकन लगा सकते हो। हमें फ़िलहाल जो चाहिए, हमने फ़िलहाल यहाँ पर यूज़ करना है फेसबुक का, और हम यहाँ पे फेसबुक के आइकन, फेसबुक के पेज का यहाँ पे यूआरएल दे देंगे सिंपल। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो है हमारी ट्विटर की, हम यहाँ पे ट्विटर का यूआरएल देंगे सिंपली, आपने कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। ये दोनों ही हमारे ऐड हो चुके हैं, आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐड कर सकते हो, जिस जिस जगह पे आपका सोशल मीडिया अकाउंट बना हुआ है वहाँ से आप इजीली यहाँ पे यूट्यूब का भी दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस भी दे सकते हो, और ईमेल एड्रेस आपको थोड़ा सा इसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज होगा, फॉर्मेट आपका ये हो सकता है कि मेल टू के नाम से, यहाँ पे ऐड करोगे, यहाँ पे आप लिख देते हैं जी पूरा मेल एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेट्स का थोड़ा सा चेंज है मेल एड्रेस ऐड करने का, यहाँ पे आप सिंपली अपना यूआरएल देते हो, यूआरएल कॉपी पेस्ट करके आप यहाँ पे लगा देते हो, जितने मर्जी जितने चाहे आप यहाँ पे लगा सकते हो, गूगल का लगा सकते हो, इंस्टाग्राम का लगा सकते हो, लिंक्डइन का लगा सकते हैं। मैंने फिलहाल 2 ही लगाए हैं, एक फेसबुक का और दूसरा है हमारे पास ट्विटर का। तो दोस्तों आप ईमेल एड्रेस भी ऐसे ऐड कर सकते हो। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे है, आप यहाँ पे फ़ोन, अपना फ़ोन नंबर भी दे सकते हो, फ़ोन को ऐड करने का
आप इसको सब जो बेस्ट तरीका वो ये है कि आप लिखते हो टेल और यहाँ पे आप लिख देते हो अपना नंबर। फिलहाल ये मैं फर्जी नंबर लिख रहा हूँ। यहाँ पे आप फ़ोन नंबर लिखते हो, फ़ोन नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आप करते हो इसको सेव और हम कर लेते हैं अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश। ये देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास यहाँ पे आइकन बन चुके हैं। यहाँ पे आप मेल एड्रेस देख सकते हो, मेल यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको मेल बॉक्स को लेगा आउटबुक। आपकी मेल एड्रेस मेल कर सकता है कस्टमर आपको, सब्सक्राइबर है व्यूवर है आपका, ठीक है। उसके बाद ये फेसबुक का पेज आप इसके अंदर लगा सकते हो, अपना फ़ोन नंबर लगा सकते हो। फ़ोन नंबर आपका लैपटॉप या सिस्टम के अंदर काम नहीं करेगा। अगर आपका क्लाइंट, अगर कोई बंदा आपकी वेबसाइट को ओपन करेगा अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर, वहाँ से विजिट कर रहा है, तो आप वो वहाँ से इजीली यहाँ पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली डायल बॉक्स में जाएगा। डायल बॉक्स से डायल पैड पे जाके आप इजीली यहाँ पे कॉल भी कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे ट्विटर का अकाउंट है हमारे पास, जितने चाहें आप यहाँ पे इजीली यहाँ से अकाउंट ऐड कर सकते हो। इसका कलर चेंज करना है जो भी आप यहाँ से, आपके पास ऑप्शन बेहतर लग रही है, आप यहाँ से कलर वगैरह चेंज इसके कर सकते हो, लाइनिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये हमने आज की इस वीडियो में हम दिखा कि आप, हमने तीन तरीके इसके अंदर थ्री मेथड्स डिस्कस किए हैं अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स को अपनी वेबसाइट के ऊपर वेबसाइट के साथ कनेक्ट करने के। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो आज की पसंद आई होगी। तो अपना फीडबैक साथ साथ देते रहिए ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारे अंदर क्या कमियाँ खामियाँ हैं और जिसको हम मज़ीद इसको बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों फिर अपने कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए, और कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, आपको वर्डप्रेस के अंदर किस किस्म की प्रॉब्लम आ रही है, किस किस्म के इश्यूज आ रहे हैं। तो आप वहाँ पे कमेंट्स बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।